गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड। इससे पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि गियर टाइप ऑयल पंप कैसे काम करता है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि रोटर टाइप पंप जो है वो कैसे काम करता है। जिन्होंने मेरा पिछला वीडियो गियर टाइप ऑयल पंप कैसे काम करता है नहीं देखा है, उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो वहाँ पर क्लिक करके आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। तो ये हमारा रोटर टाइप पंप है, इसको हमने ये बोल्ट जो है वो उसके खोलने हैं और इसके बाद जो है हमने इसका चेक करना है कि क्या क्या चीज़ें जो है वो उसमें चेक करने वाली होती हैं। ये इसका स्टेनर है जो कि आपके ऑयल में डूबा रहता है। ये जाली को साफ करना है आपने, इसमें जो भी कचरा वगैरह हुआ उसको जो है वो अच्छी तरह से आपने डीजल में या मिट्टी के तेल में जो है वो धो लेना है, क्योंकि इसमें कचरा फंसने से जो है वो आपका ऑयल प्रेशर जो है वो कम हो जाता है। ये इसकी सक्शन है, यहाँ से आपकी जाली से जो है वो ऑयल सक होता है और इस वाले होल से जो है आपका जो आपका ऑयल है वो इस होल में जाता है। ये इस तरह से मिला हुआ है आपका इस तरह से, तो ऑयल जो है वो आपका पहले यहाँ जाएगा और अंदर से जो है इस ये आपकी रोटर है, इसको बोलते हैं हम इनर रोटर और इसको बोलते हैं हम आउटर रोटर। तो ये यहाँ पे आपकी केम शाफ्ट से ही चाल मिलती है इस पंप को भी, तो केम शाफ्ट का जो लिंक है वो आपका यहाँ पर एक रॉड फंसी होती है ये जो है आपकी, और उसके साथ में जो है वो पीछे एक लीवर होता है जो कि इसको चाल देता है इस खांचे में फंस कर, ठीक है। तो ये इनर रोटर और जो बाहर वाला रोटर है इसके घूमने से ही आपकी सक्शन जो है वो पैदा होती है। तो इसको हम ये आपने जैसे यहाँ से आपका ऑयल गया और फिर ऑयल जो है वो आपका दूसरी तार दो ब्लॉक, तो यहाँ से आपका ऑयल जो है वो इस छेद से अंदर जाता है और फिर इसके अंदर एक छेद आपको दिख रहा है यहाँ पे जहाँ से मैंने ये तार निकाली है, तो यहाँ से आपका ऑयल अंदर जाएगा और यहाँ से बाहर निकलेगा। और जब ये बाहर निकलेगा तो ये जो रोटर है आपका, ये रोटर यहाँ पे लगा हुआ है, ये रोटर जब घूमेगा तो इस खाली जगह में, ये जो खाली जगह बनती है इस खाली जगह में जो है वो आपका ऑयल जो है वो आ जाएगा बीच में। और जब ये अंदर वाली रोटर घूमेगी तो ये जो ऑयल आया होगा ये आपका प्रेस होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि ये घूम भी रहा है इस तरह से, तो ये इस तरह से आपका ऑयल जो है वो खाली जगह में आकर फिर जो है वो कंप्रेस होगा और कंप्रेस होकर दूसरी साइड को आएगा ये, और दूसरी साइड में जो है एक और छेद जो है वो आपका इस साइड में बना हुआ है। तो यहाँ से आपका जो ऑयल है इस अंदर वाले रोटर में, ये जो आपको दिख रहा है इस अंदर वाले रोटर से यहाँ से कंप्रेस होगा और यहाँ से घूमेगा और फिर इस होल से जो है वो आपका बाहर चला जाएगा ऑयल गैलरी के लिए। ये वाला जो छेद है ये आपका जो ऑयल फिल्टर वाली रास्ता होता है उसके साथ जो है ये मिला हुआ होता है, तो यहाँ से ऑयल कंप्रेस होकर जाएगा और यहाँ से आपके ऑयल फिल्टर को चला जाएगा। तो इसमें हमने क्या चीज़ें चेक करनी होती हैं, इस तरह से आपने रोटर ये डाल लिया इसके बीच में, तो एक तो हम क्लियरेंस इस अंदर वाले रोटर में और बाहर वाले रोटर में देखते हैं, तो एक क्लियरेंस हम इस इनर रोटर और इस आउटर रोटर के बीच में देखते हैं इस तरह से।
यहाँ पर आप इसमें फंसा के देखेंगे इसको, और जितनी भी मैन्युफैक्चरर क्लियरेंस इसमें रखने के लिए बताता है उतनी क्लियरेंस जो है इसके बीच में होनी चाहिए। ये होगी आपकी इनर रोटर और आउटर रोटर के बीच में। और ये इसके बाद जो दूसरी क्लियरेंस हम चेक करते हैं इसमें, वो होती है आपकी आउटर रोटर और बॉडी के बीच में जो क्लियरेंस होती है, उसको हम इस तरह से जो है वो उस जगह में जो है वो चेक करते हैं इस तरह से। तो ये जो क्लियरेंस होती है ये आपकी आउटर रोटर और बॉडी के बीच की क्लियरेंस होती है। उसके बाद जो तीसरी क्लियरेंस हम चेक करते हैं, वो क्लियरेंस हम चेक करते हैं इसके अंदर जो है वो स्टील रूल रख के, इस जो आपका एंड कवर है इसका एंड प्ले जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। तो ये इस तरह से हम जो है वो स्टील रूल रख लेना है हमने इसके यहाँ इसके ऊपर, और स्टील रूल के नीचे जो है वो जितना भी मैन्युफैक्चरर बताता है उतनी क्लियरेंस, उतनी फिलर गेज जो है वो इसके नीचे से जानी चाहिए, इसको हम एंड क्लियरेंस भी कहते हैं। तो ये तीन क्लियरेंस जो है वो इसमें चेक करने वाली होती हैं। और वर्किंग प्रिंसिपल मैंने जैसे आपको बताया कि ये यहाँ पर आपका अंदर जो है एक खांचा यहाँ पे बना हुआ है, जैसे हम यहाँ पे इसको दोबारा आपको दिखा देता हूँ मैं, एक खांचा आपका ये है और दूसरा आपका ये आपका इनलेट है और ये आपका आउटलेट है। तो ये आपका आउटर रोटर पहले डलेगा आपका, और ये जो है वो आपका केम शाफ्ट से घूम रहा है ये। तो जब ये ऐसे घूमता है तो तेल जो है वो आपका इस जगह में आ जाता है, और इस जगह में जब आएगा तो इस तरह से घूमेगा, और यहाँ पर आपका प्रेशर जो है वो थोड़ा कम हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर जगह थोड़ी सी बढ़ जाती है। लेकिन जब ये ऐसे घूमेगा, इस तरह से घूमेगा, तो आपका तो जब ये घूमेगा इस साइड को जब घूमेगा तो आपके जो ऑयल इस आउटर रोटर और इनर रोटर के बीच में फंसा होगा उसमें जो है वो जगह कम होने के कारण जो है वो प्रेशर क्रिएट होगा, और प्रेशर जब क्रिएट होगा तो जो अंदर वाली जो जगह है वहाँ पर उस ऑयल को जाने के लिए जगह मिल जाएगी, और वो ऑयल जो है वो अंदर वाले खांचे स्लॉट से होता हुआ या आउटलेट पोर्ट से होता हुआ यहाँ निकलेगा। और ये जो चीज़ आपकी, ये आपकी जो ऑयल फिल्टर की गैलरी होती है वहाँ पर जो है वो मिला हुआ होता है। तो वहाँ यहाँ से आपका ऑयल निकल करके जो है वो ऑयल फिल्टर में छनने के लिए चला जाएगा। तो इस तरह से आपका ये रोटर टाइप पंप जो है वो काम करता है। इसमें क्लियरेंस हमने जैसे जो क्लियरेंस हमने चेक करी वो क्लियरेंस इसमें जो है वो चेक करनी होती है, और ऑयल स्टेनर को जो है वो अच्छी तरह से साफ़ करना होता है ताकि इसके बीच में जो है वो कोई कचरा ना हो। इससे अगले वीडियो में हम देखेंगे कि क्रिसेंट टाइप गियर एंड क्रिसेंट टाइप ऑयल पंप जो है वो कैसे काम करता है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।